हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन वही फनेटिक्स से रूल्स नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। फनेटिक्स में वर्ड स्ट्रेस के बारे में बात चल रही थी। जिस नियम के अंत में IAL आ जाए, यानी मीनिंग के अंतर क्या आ जाए, IAL आ जाए अंत में, IAN, ION, IOUS या ENOUS, या UOUS या IC या ICS आ जाए या इंटेल आ जाए, ये शब्द आ गए तो वर्ड स्ट्रेस किस पे लगेगा? सेकंड सिलेबस के अनुसार वर्ड स्ट्रेस यूज किया जाएगा। किसके अनुसार? सेकंड सिलेबस के अनुसार। इसके बाद में जैसे फाइव बेनिफिशियल, देखिए बेनिफिशियल, अब तो लास्ट में क्या आ गया? IAL आ गया, तो इससे तुरंत बेनिफिशियल जहां पे एफ वर्ड स्ट्रेस यूज किया जाएगा। इसी प्रकार मेमोरियल, इसमें IAL आ गया तो मेमोरियल सेकंड सिलेबल क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, है ना, एम पे आ जाएगा। इसी प्रकार रेमेडियल, IAL आ गया तो रेमेडियल एम पे आ जाएगा। इसी प्रकार टेस्टिमनी, टेस्टिमोनियल क्या हो जाएगा? टेस्टी एम पे आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल IAL हो जाएगा, टी पे आ जाएगा। इसी प्रकार कॉमर्शियल, कॉमर्शियल में क्या आ जाएगा? एन पे आ जाएगा सेकंड सिलेबल के अनुसार, है ना। ये शब्द आ रहे हैं ना, तो इनसे पहले किस पे सिलेबल आएगा? सेकंड सिलेबल पे आएगा, ये याद रखना आपको। जैसे डिक्टेरियल, इसमें अंत में आ गया IL, तो डिक्टेरियल सेकंड सिलेबल टी, टी यूज हो जाएगा। इसी प्रकार IAN हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? सेकंड सिलेबल म्यूजिशियन, जी पे आ जाएगा। इसी प्रकार म्यूजिशियन, म्यूजिशियन में सेकंड सिलेबल हो गया एस पे। इसी प्रकार ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल पे कहाँ पे आ जाएगा? ट्यूटोरियल पे, ये तो हो गया था टी पे, है ना, सेकंड सिलेबल। इसी प्रकार कॉमेडियल, अब जो कॉमेडियल में DIN, IAN आ रहा है लास्ट में, तो इसमें आपको IAN आते ही आपको तुरंत याद होना चाहिए कौन से सिलेबल पर आएगा? सेकंड सिलेबल पर ये जाएगा। तो कॉमेडियल यानी को में, यानी सेकंड सिलेबल क्या हुआ? एम हुआ। इसी प्रकार फिजिशियन, IAN आ गया लास्ट में, तो फिजिशियन यानी सेकंड सिलेबल क्या होगा? एस होगा। इसी प्रकार पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन में IAN हो गया, तो पॉलिटिशियन में IAN हो गया, कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा सेकंड सिलेबल पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन यानी कहाँ पे आएगा इसमें वर्ड स्ट्रेस? इसमें आएगा आपका पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को हो जाएगा आपका टी पे। पॉलिटिशियन वर्ड स्ट्रेस में सिंबल देखिए, पर IAL आएगा लास्ट में, IAN, IAN शुरू का ही है, ये तो होगा, ICIN नहीं है, ICIN नहीं है, तो यहाँ पे टी पे आ जाएगा वर्ड स्ट्रेस। इसी प्रकार सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन पे कहां पे आ जाएगा? एल पे आ जाएगा सिविलाइजेशन। कहां पे आएगा? IAN और एल पे सेकंड, सिविल लाइन, सिविल लाइन, सिविल लाइन पे कौन सा हो जाएगा? सिविल लाइन पे वर्ड स्पेस आपका IAL हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार डेलिमिटेशन, IAN हो गया तो डेलिमिटेशन सेकंड सिलेबल एम पे। इसी प्रकार एडमिशन, एडमिशन देखो ION हो गया, तो एडमिशन एम पे आ जाएगा वर्ड स्पेस। इसी प्रकार परसिवेशन, IAON है तो पर सेकंड सिलेबल वर्ब का आ जाएगा। इसी प्रकार एग्रीशन, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ऐसा वर्ड इंपॉर्टेंट होता है एग्रीशन। इसमें ION आ गया, SION आ गया लास्ट में, SION है तो SION है, तो इसमें जो आई कहां पे गया? ये रहा ION है, तो एग्रीशियन, एग्री, अब देखो एग्री, एग्री ये एक नहीं बड़ा, एजी नहीं बड़ा, एग्री, एगी, एगी, ये दोनों आएंगे, तो इसमें आपको अर्थ करके देखना है एगी, इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं, ये एगी एगी एगी, इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो वर्ड स्ट्रेस कहां पे आएगा? आर पे आएगा, यानी सेकंड सिलेबल जो सेकंड ध्वनि आ रही है, जो आ रही है एगी, एगिरेशन, 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 यानी एक तो पूरा है फिर सेकंड में आर। इसी प्रकार ओमिशन, ओमिशन देखो, ओ पहला वर्ड, ओमिशन पहला पहला वर्ड फॉर साउंड है, सेकंड सिलेबल क्या होगा? एम होगा, यानी ओमिशन लास्ट में आया हुआ आ गया, तो ओमिशन फर्स्ट सेकेंड मिशन, यानी आपको थोड़ा सा उच्चारण करके देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका साइकोलॉजी लगेगा वर्ड स्ट्रेस। और ये नियम आपको ये पता होना चाहिए, IAL, IAN, IOUN, IOUS, NUS ये आते हैं, इसमें कहाँ लगता है? एक आता है ऑपरेशन, अब देखो यही जैसे अपन ये परमिशन कराता है ना, कहाँ पे गया ये एडमिशन, नहीं, ये भी एग्रीशन, एग्रीशन की तरह ये वर्ड है ऑपरेशन। अब देखिए इसमें भी रीसन IOUN आ गया, लेकिन ऑपरेशन इसमें भी डॉट OP बोल रहा है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? आर पे आ जाएगा, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। ऑपरेशन एक पैशन पे तो आ जाएगा शुरू में ही, पैशन पे, है ना, ION है, तो एक ही बोल रहा है इसमें, पैशन, पेंशन, तो
पहले भी जिसमें डबल आवाज नहीं हो शुरू में भी एक ही आवाज निकल रही तो शुरू में आएगा है ना। इसे पसीशन, अब देखो पसीशन पसीशन, अब इसमें दो वर्ड हो रहे पसीशन पसीशन पस और सीशन, इसमें एस पे डबल इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार प्रोसेशन प्रोसेशन में सी पे आ जाएगा, ऑपरेशन ऑपरेशन वही ये शायद आ गया वर्ड ऑपरेशन यहाँ पे आर पे, प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन पे यहाँ पे आर पे, प्रोपुलेशन प्रोपुलेशन पे आ जाएगा, कंफ्यूशन कंफ्यूशन पे एफ पे, कंफ्यूशन में काफी हो जाएगा एफ पे हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए एडिशन एडिशन में क्या आ जाएगा एल पे आ जाएगा। इसी प्रकार एडिशन एडिशन पे कहा पर बी पे आएगा। इसी प्रकार एक्सप्लेशन एक्सप्लेशन पे आपका वर्ड स्पेल हो जाएगा एल पे, कहां पे हो जाएगा एल पे हो जाएगा एक्सप्लेशन एक्सप्लेशन पे एल पे। इसी प्रकार डेडी डेडिकेशन डेडिकेशन पे सी पे। इसी प्रकार एप्रोसेशन एप्रोसेशन पी पे है ना पी पे हो जाएगा। नोटोरियस तो क्या इसमें नोटोरियस आईओएस आ गया इसमें टी पे हो जाएगा। इसी प्रकार डिलीशियस डिलीशियस आईओएस आ गया आईओएस तो आईओएस कहां पे इसमें आईओएस ये लिया आईओएस आ गया है ना तो आईओएस आ गया तो सेकंड सिलेबल क्या होगा एम एल है ना। इसी प्रकार पैलेसियस आईओएस आ गया तो फाल्सियस इसमें एल पे है ना। इसी प्रकार ग्रेशियस अब जो ग्रेशियस आई ओ यू आएगा तो ग्रेशियस एक ही बोल रहा है इसमें जी पे आ जाएगा ठीक है। इसी प्रकार एमपीबीएस एमपीबीएस आई ओ यू आएगा तो एमपीबीएस पी पे हो जाएगा एमपीबीएस है ना। इसी प्रकार एक्यूरियस एक्यूएस एक्यूएस में कहां पे आएगा एक्यूएस देखो ये तो आ गया ओ यूएस एक्यूएस एक ही बोल रहा है तो एक्यूएस में ए पे आ जाएगा। इसी प्रकार देखो एट्रोनिजियस हेट्रोनिजियस तो ये किस पे हो जाएगा जी पे हो जाएगा हेट्रोनिजियस जब दो अलग अलग हो आईओएस हो तो हेट्रोजीनियस हेट्रो देखो हेट्रो एक ही वर्ड बोल रहा है सेकंड सिलेबल क्या बोल रहा है जी पे बोल रहा है इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना हेट्रोजीनियस। इसी प्रकार कॉन्टियस कॉन्टियस पे आ जाएगा कॉन्टियस पे शुरू में। इसी प्रकार एस्टुडियस एस्टुडियस में एस पे आ जाएगा। इसी प्रकार कॉन्ग्रीशियस कॉन्ग्रीशियस शुरू में आ जाएगा और इसके बाद में पर स्पीशियस में आएगा एस पे आएगा। स्पिरिटियस आई ओ यूएस आएगा स्पिरिटियस एस पे आ जाएगा। इस प्रकार एकेडेमियस एकेडेमियस डी पे। इसी प्रकार डेडिकेटिस 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 में कहां पे आ जाएगा डेडिकेटिस में आपको हो जाएगा डी पे कहां पे हो जाएगा डी पे। इसी प्रकार साइंटिफिकिस साइंटिफिकिस में टी पे आ जाएगा टिक्स है ना आईसी आईसी आ रहा है लास्ट में तो सेकंड साइंटिक साइंटी देखो साइन साइन एक शब्द बोल रहा है साइन क्या बोल रहा है एक एक साउंड बोल रही है सेकंड सेकंड ध्वनि कहां बोल रही है टी पे बोल रही है यानी सेकंड सिलेबल टी पे तो सेकंड सिलेबल कहां आ जाएगा टी पे आ जाएगा। इसी प्रकार एथलेटिक्स एथलेटिक्स अब एथलेटिक्स एक बोल रहा है एथलेटिक एथे और एथलेटिक्स तो आई सी आ गया लास्ट में सेकंड सिलेबल एल पे हो जाएगा। इसी प्रकार फिजिक्स फिजिक्स में एक ही बोल रहा है तो पी पे आ जाएगा। इसी प्रकार लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स में कहां पे आएगा आईसीएस हो गया तो लिंग्विस्टिक्स में आ जाएगा आपके शुरू में एल पे है ना। लिंग्विस्टिक्स शायद जी पे होगा सॉरी इसमें जी पे लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक एक बोल रहा है फिर सेकंड इसमें। इसी प्रकार एरोबिस एरोबिस में क्या आ जाएगा एरोबिस आईसीएस हो गया आईसीएस के बाद एरोबिस इसमें आर हो गया। इसी प्रकार फोनेटिक्स फोनेटिक्स में एन हो जाएगा यहां पर एन के ऊपर आएगा फोनेटिक्स में इसके ऊपर आएगा एन के ऊपर फोनेटिक्स में एन के ऊपर आएगा फोनेटिक्स में है ना। इसी प्रकार देखिए एयर रोबिस ये हो गया आपका आर पे आ जाएगा। इसी प्रकार फोनेटिक्स ये भी हो गया था रिपीट हो गया डेट्रोबैटिक्स आईसी हो गया लास्ट में डेट्रो अब डेट्रो एक ही वर्ड है डेट्रो डेट्रोबैटिक्स डेट्रोबैटिक्स सेकंड सिलेबल बैट बी हो जाएगा सेकंड सिलेबल बी। इसी प्रकार बेटो यस बेटोटियस बेटोटियस में कहां पे हो जाएगा बेटोटियस आई ओ यूएस आ गया तो बेटोटियस ई पे आ जाएगा सेकंड बेटो बेटोटियस टी पे है ना। इसी प्रकार हेरबियस इसमें से बी पे हो जाएगा। लास्ट में देखिए हेलोनियस हेलोनियस में हेलोनियस पे क्या है हेलोनियस पे हेलो हेलोरियस आई ओ यूएस आ गया तो एल पे हो जाएगा। इसी प्रकार फाल्फिसियस फाल्फिसियस में देखिए फाल्फिसियस में एल पे हो जाएगा फाल्फिसियस में और ग्रेशियस में शुरू में। तो थैंक यू लाइक एंड शेयर ओके माय वीडियो इसी प्रकार मिलते रहेंगे ओके प्लीज लाइक एंड शेयर।